वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक है। आज हम बात करेंगे फिर से फिजिक्स की, अप्लाइड फिजिक्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं सरल आवर्त गति के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें हमने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब बात करते हैं इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसमें एक फोर्स हमें बताया था, फोर्स लगता है एफ इक्वल टू माइनस वी एक्स। दो चीजें इसमें बता रही है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, त्वरण और वेग। तो अब हमें क्या है, जो एक्सेलरेशन है और जो वेग है, त्वरण है वेग, इनका फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। इनकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या होती है और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगर ऐसा मान लें हमारे पास एक पार्टिकल है या कोई स्प्रिंग से जुड़ा हुआ पार्टिकल, जिसको हमने खींच के सेंटर से उठा के इसको हम मैथ लेके आए इस पोजिशन पे। तो ये क्या है, केंद्र है सिर्फ, इसको हम केंद्र बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेन पोजिशन। ये केंद्र था कोई पार्टिकल या फिर कोई कण यहां पर रखा होता है, उसको उठा के हम यहां तक लेके आते हैं। तो वो जो कण है वो कोशिश करेगा इधर की तरफ जाने की, पूरी कोशिश रहेगी उसकी। जैसे कि कोई स्प्रिंग होता है, अगर उससे कोई एक मास अटैच है, ये उसके रियर पोजीशन की, अगर उसको खींच के अंदर ले जाते हैं काम करना है, तो ये कोशिश करेगा फिर से इसी पोजीशन पर आने की, इसी मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करता है हमेशा। तो हमें क्या करना है, हमें इसी का यूज करके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है और वेलोसिटी, त्वरण को और वेग। जैसे हमारी हेडिंग है सरल आवर्त करते हुए कण का वेग ज्ञात करेंगे, या फिर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, एक ऐसा पार्टिकल, ऐसा कण जो कि सरल आवर्त कर रहा है, उसकी वेलोसिटी या फिर उसका वेग की इक्वेशन हम लोग निकालेंगे यहां से। अब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल यहां था मीन पोजिशन पर, जब वो मीन पोजिशन पर रहेगा तो कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब बोल सकते हैं स्थायी, स्टेबल है। सारे जितने फोर्स लग रहे हैं पूरे के पूरे, सारे जितने बल लग रहे हैं सारे के सारे बैलेंस हैं। अगर पार्टिकल को उठा के कण को उठा के यहां से यहां तक ले आते हैं, तो यहां पर जो उसकी वेलोसिटी होगी पहली बार तो वो जीरो होगी, और यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और इस वक्त जो फोर्स लगेगा ये कोशिश करेगा फिर से इधर की तरफ आने की, जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फिर ये यहां से मूव करेगा, यहां पर फिर से वेलोसिटी जीरो देगी, कोशिश करेगा फिर से यहां से यहां जाने की। और पूरे पार्टिकल का जो यहां से यहां तक गया, इसको हमने बोला डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ अपनी मीन पोजीशन से, और सेम ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन भी होगा, अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, अगर ये दो एक्सिस हम ले लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा सेंटर होता है, इससे इधर की तरफ हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं और इससे लेफ्ट साइड की तरफ हमेशा हम नेगेटिव साइड लेके चलते हैं। तो वही कैसे, क्योंकि फोर्स यहां पर क्या कर रहा है, इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, वो जो फोर्स है इस वाले पार्टिकल को, यहां पर जो पार्टिकल है उसको लेफ्ट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स यहां पर लेफ्ट की ओर, तो फोर्स की फोर्स नेगेटिव है, तो यहां पर फोर्स इधर तरफ लगेगा। जब पार्टिकल यहां से घूम के फिर से यहां पहुंचेगा तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, और यहां पर सेंटर पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम। अगर इस पॉइंट को मान लेते हैं प्लस से, इस पॉइंट को मान लेते हैं माइनस से, तो ये प्लस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये प्लस है मैक्सिमम। ये इसको पहले भी हम प्रूफ कर चुके हैं कि मैक्सिमम कहां तक जाएगा प्लस से तक, और मिनिमम कहां तक जाएगा माइनस से तक। इतनी बात समझ आनी, अब देखिए आगे बात करते हैं। अब ये जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स इस पार्टिकल को इधर की तरफ लाने के लिए मजबूर कर रहा है, आप सेंटर इक्विलिब्रियम, उसकी उसका जो वैल्यू था वो हम बता चुके हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमारे पास इसका वैल्यू है एफ इक्वल टू के एक्स। और हम पहले जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन क्या हमारा त्वरण है और मास जो स्वभाव है एम, तो एफ इक्वल टू एम होता है। अगर इसको उठा के यहां पुट करते हैं एम टू ए इक्वल टू माइनस के एक्स, और यहां से ए एम को उठा के धर लेते हैं, क्योंकि एम यहां पर मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे पहुंच जाएगा माइनस के एक्स अपॉन एम। यहां पर हम काम कर सकते हैं कि जो माइनस के के अपॉन एम है, इसको हम ले सकते हैं कोई माइनस के, सॉरी के अपॉन एम को लिखेंगे हम
क्या ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से वैल्यू लेनी है हमें अल्फा ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा को स्क्वायर किस लिया, कुछ भी इसकी वैल्यू रहेगी तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि स्क्वायर था तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो ये क्या है तुरंत की इक्वेशन, तुरंत इधर आ गया। अब मेन चीज हमको ड्राइव करनी है वो है वेलोसिटी, वेग के लिए क्या इक्वेशन आएगी, अगर इसकी इसका मतलब बनेंगे तो क्या होगा हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पहली बात एक्सेलरेशन मिल गया, इसी का यूज करके हम वेग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहां देखा कि पार्टिकल कहां था, ये हमारा पार्टिकल था सेंटर, ये हमारी क्या मीन पोजीशन है, पार्टिकल यहां से आ गया, तो हमारे पास क्या है एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ चुकी है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारी इक्वेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या त्वरण है। अब हम क्या कर सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होने का चेंज इन वेलोसिटी तो उसको बोल सकते हैं डीवी अपॉन डीटी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर हम यहीं पर डीएक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं कुछ ऐसे, तो हमने क्या किया डीएक्स से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डीएक्स से डिवाइड भी कर लिया, दोनों पार्ट कट से वही चीज हो जाएगी सेम। अब इस वक्त क्या करेंगे डीवी अपॉन डीएक्स को साथ में लिख लेते हैं इन टू डीएक्स अपॉन डीवी, अगर इसकी बात की जाए डीएक्स अपॉन डीवी वाली की या पहले पढ़ चुके हैं, ये क्या हमारा वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होता है वेलोसिटी होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं यह क्या होता हमारा वेलोसिटी हो गया एन टू डीवी अपॉन डीएक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब क्या है वी वी लेकिन डीएक्स आ गया, डीएक्स इसके लिए क्वेश्चन का काम करेगा या फिर नियतांक होगा उसको उठा के डाल लिया है ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स और ये क्या होगा वी डी वी हो गया, इतना हो गया या तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसी तरह से आपसे। अब क्या है कि हमें क्या करना है वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है। अब ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये जो समाकलन है उसको हटाना पड़ेगा यहां से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसका अवकलन कर देंगे दोनों साइड वी डीवी माइनस बार आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स और डीएक्स, इस डीवी को हटाने के लिए हमने क्या किया इसका इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ लिमिट पुट करनी पड़ेगी, हमें ऐसा मान लिया कि जो पार्टिकल था उसको उठा के हम सेंटर से यहां तक लेके इस पोजिशन पे उसने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है ना, यहां पर मैंने पहली बार वेलोसिटी जीरो होगी तो मान लेते हैं कि जीरो से लेकर वी तक वो चला और जो डिस्प्लेसमेंट था क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा प्लस ए एक्स इक्वल टू अपर आएगा प्लस ए क्योंकि ये इसका मैक्सिमम अधिकतम डिस्प्लेसमेंट है जो मैं पहले बता चुका हूं उसके बारे में, तो हमने माना वो प्लस ए से चलना स्टार्ट किया और वो लगभग कहीं एक्स तक गया तो प्लस ए से चलना स्टार्ट किया और वहां तक गया एक्स तक हो गया वो पार्टिकल, तो ये हमने इसकी लिमिट पुट कर दी, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं वी स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन होगा डीवी हट गया जीरो से वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट है प्लस ए से लेकर एक्स तक हमारे इतना हो गया। एक बार वी को पुट कर लेंगे वी स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉन्स्टेंट था वहां से रहा एक बार एक्स पुट कर लेंगे एक बार ए पुट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू इसको मिल सकते हैं वी स्क्वायर बाई टू माइनस, अगर इस माइनस को अंदर लेके आते हैं तो ये आपस में इंटरचेंज जाएंगे माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन टू, यहां पहले से मिले प्लस जीरो है ऊपर एज इट इज रहेगा ऐसा था टू से टू कैंसिल और हमारे जो इक्वेशन है लास्ट में वे भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
स्क्वायर को ढाके यहां से ध्यान मिलते हैं बी बच टू एंड द रूट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारी कंडीशन की क्वेश्चन आ गई स्क्वायर से रूट कटेगा ओमेगा वाला ओमेगा बाहर आ गया और एंड द रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर और संकेत प्लस सारे सलाम दे क्योंकि वी की पावर टू था तो इसके दो वैल्यू हमको मिलेंगी एक प्लस एक माइनस तो ये हमारी इंसुलेशन इक्वेशन होगी करंट की माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और ये हमारी इसकी होगी वेलोसिटी की किस में सिंपल हार्मोनिक मोशन में सरल पावर टू की इक्वेशन है ये हमारी वेलोसिटी की और ये इंसुलेशन की थैंक यू क्लास आज मिलते हैं बाकी कोई दिक्कत हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।